आज की रेसिपी आपको हेल्प करेगी एक ऐसा मील प्लान करने में विच इज नॉट ओनली हाई ऑन इम्यूनिटी बूस्टर्स बट इज ऑल्सो ग्रेट इन टेस्ट। आज की मेरी रेसिपी है पालक कोफ्ता करी। पालक इज नॉट ओनली रिच इन विटामिन सी बट इट इज ऑल्सो पैक्ड विद न्यूमरस एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड बीटा कैरोटीन। दिस विल हेल्प यू टू फाइट इन्फेक्शन एंड बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक पालक कोफ्ता करी। दो नाम याद रखिएगा, सुगंधा एंड आउट ऑफ फैशन। एक और चीज याद रखनी है आपको, क्या? सब्सक्राइब का बटन। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और देखते रहिए मेरी रेसिपीज। तो पालक के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है पालक को ब्लांच करना। ब्लांचिंग क्या होती है? ब्लांचिंग इज अ प्रोसेस जिसमें आप सब्जियों को गर्म गर्म पानी में बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए, 2 या 3 मिनट के लिए रखते हैं और फिर उसको से निकाल लेते हैं। ब्लांचिंग हेल्प करता है सब्जियों को थोड़ा सा पकाने में, उनका कलर मेंटेन करने में और उनके न्यूट्रिएंट्स उसमें सील करने में। पालक को ब्लांच करने के लिए मैंने 2 कप पानी यहाँ पे बॉइल किया है और इसमें मैं डालूंगी 1/2 बंच ऑफ पालक। उससे पहले लेट्स टर्न ऑन द स्टोव। पालक को करीब 2 मिनट हम इस पानी में रहने देंगे एंड देन वी पुट इट इन आइस कोल्ड वाटर। और इसको कवर कुक नहीं करना है बिकॉज कवर कुकिंग कैन स्पॉइल द कलर ऑफ योर स्पिनच। जब तक पालक इस गर्म पानी में है, लेट्स कीप अ बोल रेडी ऑफ आइस कोल्ड वाटर। अब हम इस ब्लांच्ड पालक की प्यूरी बना लेंगे विद अ स्मॉल क्यूब ऑफ आइस सो दैट द स्पिनच रिटेन्स द कलर। पालक की प्यूरी तैयार है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस रेसिपी, हम बनाएंगे पालक के कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने लिया है 1 बड़ी कटोरी पालक जिसको मैंने फाइनली चॉप किया है एंड दिस इज फ्रेश पालक। इसमें मैं मिला रही हूँ 3/4 कटोरी ग्रेटेड फ्रेश पनीर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली फाइनली चॉप्ड, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर के। इन सारी चीजों को हमने अच्छे से नीड कर लिया है एंड द कंसिस्टेंसी इज ऑफ अ डो राइट नाउ। अब हम इसे बनाएंगे कोफ्ते। ग्रीस योर पैन्स और इसके वॉलनट साइज के कोफ्ते बना लेंगे। लुक एट द ब्यूटीफुल कलर ऑफ आवर कोफ्ता एंड द स्पिनच। इजंट इट वंडरफुल? चलिए अब फ्राई करते हैं इन पालक के कोफ्तों को। आज फ्राइंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ बेस्ट ड्रॉप लाइट का राइस ब्रैन ऑयल। बी श्योर इट्स प्योर। व्हाई बेस्ट ड्रॉप ऑयल? क्योंकि इसमें है ओराइजन ऑयल जो इसे बनाता है हार्ट हेल्दी ऑयल। जब तक तेल गर्म होता है मैं बेस्ट ड्रॉप राइस ब्रैन ऑयल के आपको कुछ और फायदे बताता हूँ। राइस ब्रैन ऑयल का स्मोक पॉइंट काफी हाई होता है विच मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट ऑयल्स फॉर फ्राइंग। बेस्ट ड्रॉप राइस ब्रैन ऑयल की एक और खासियत है, इट हैज हेल्दी फैट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। एज अ प्रैक्टिस मैं सबसे पहले 1 कोफ्ता फ्राई करके देखती हूँ सो दैट आई गेट टू नो अबाउट द पानी। आप भी सबसे पहले 1 कोफ्ता फ्राई करके देखें। अगर आपको लगे कि आपका कोफ्ता बिखर रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हैं। एडिशनली आप उसमें मसाले भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगे कुछ नमक या कुछ और कम है तो यू कैन ऐड इट एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी रेसिपीज देखते हैं और आपको पसंद आती हैं
तो प्लीज़ प्लीज़ गाइज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कोफ्तों की बाइंडिंग बिल्कुल ठीक है, देखिए कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं और ना ये बिखर रहे हैं ना ये चिपक रहे हैं। इनको तब तक फ्राई करना है जब तक ये चारों तरफ से लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जिसमें बनाएंगे हम इस कोफ्ते के लिए ग्रेवी। एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून बेस्ट रॉक राइस ब्रैन ऑयल। तेल गरम हो चुका है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप व्हिच इज एडिंग अबाउट 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली। जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट सौते हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम अनियन का पेस्ट। इसको तब तक पकाना है जब तक ये लाइट ब्राउन कलर का नहीं हो जाता एंड ऑयल सेपरेट। वैसे तो हर रेसिपी की एक हिस्ट्री होती है, कहानी होती है, पर पालक के कोफ्ते की कोई हिस्ट्री या कहानी नहीं है। दिस इज अ मॉडर्न अडेप्टेशन ऑफ क्विंटेसेंशियली पंजाबी पालक पनीर। प्याज का मसाला भुन चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसको करीब 5 से 7 मिनट तक के लिए भून लेंगे। हिस्ट्री सेज दैट पनीर ओरिजिनेटेड इन पर्शिया, पर इंडिया में स्पेशली पंजाब में पनीर को बहुत अच्छे से अडेप्ट किया। जब भी पंजाब की बात होती है आपने नोटिस किया होगा दैट मिल्क प्रोडक्ट्स आर ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट। दूध, घी, मलाई, पनीर, दही, दे आर द फेवरेट्स। पंजाब की बात करते करते देखिए मसाला भी भून गया। अब हम इसमें डालेंगे अपना अगला इंग्रेडिएंट, पालक की प्यूरी जो हमने सबसे पहले बनाई थी। कलर देख रहे हैं आप पालक का, ये है मैजिक ब्लांचिंग का। पालक ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है, अब हम इसको सीजन करेंगे सॉल्ट और गरम मसाला पाउडर से। नमक स्वाद अनुसार और 1/4 टीस्पून ऑफ गरम मसाला। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 1 कप पानी, क्योंकि जब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे तो वो ग्रेवी एब्जॉर्ब करेगा एंड द ग्रेवी वुड बी टू थिक। लेट्स ब्रिंग द ग्रेवी टू अ बॉइल। ग्रेवी बॉइल हो चुकी है, अब हम इसमें डाल रहे हैं अपने लास्ट 2 इंग्रेडिएंट्स व्हिच इज कसूरी मेथी, अबाउट 1 टीस्पून ऑफ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी देगा हमारे पालक के कोफ्ते को एक रेस्टोरेंट लाइक टेस्ट। एंड 2 टेबलस्पून्स ऑफ फ्रेश क्रीम। लेट्स गिव इट अ मिक्स। ग्रेवी बॉइल हो चुकी है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोफ्ता। इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए सिमर करना है और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। पालक के कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, वी विल डिश इट आउट एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक फाइनल स्टेप जिसमें हम इस पे लगाएंगे तड़का। लास्ट एंड फाइनल स्टेप के लिए हम इसका तड़का बना रहे हैं। तो तड़के के लिए एक पैन में घी गरम कर लेते हैं। घी में कंजूसी नहीं, पंजाब की डिश है, घी तो होना ही चाहिए। घी गरम हो चुका है, मैं अब इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक, उसके साथ 1/2 टीस्पून जीरा। रोस्टेड गार्लिक एंड क्यूबिन is a great combination for spinach. एक साबुत दालचीनी और 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तड़का रेडी है, चलिए इसे डालते हैं अपने कोफ्ते के ऊपर। तो लीजिए तैयार है हमारी लाजवाब बेमिसाल मॉडर्न पंजाब की पालक कोफ्ता करी। इसका मजा लीजिए आप गर्मा गर्म रोटी या पराठे के साथ। और जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती आई हूँ, स्वाद मसालों में नहीं, स्वाद होता है आपके हाथ में।
तो उसी स्वाद और उसी प्यार से इसे बनाइए और खिलाइए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को, एंड लेट मी नो हाउ इट वाज।